तो राय के हिसाब से हमारा प्रोग्राम परफेक्ट है, लेकिन ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन जवाब नॉट ओके आएगा। क्यों? रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि जैसे कि ये हमारा फुल फेस रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस आपका सेंटर से बराबर जाएगा, इस तरीके से जाएगा, बराबर ऐसा रेडियस बनेगा, फिर यहां से ये एंगल मारेगा। तो आपको कुछ दिखा, यहां पर देखिए स्टेप दिखा, जो कि हमारे ड्राइंग में किस तरीके से दिया रहेगा, इस तरीके से रेडियस के साथ एंगल मैच रहेगा, यहाँ पे स्टेप नहीं आना चाहिए, जो कि इस तरीके से बनेगा अगर हम प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं। तो फिर हमें दूसरा तरीका कौन सा है कि जिससे हमारा जॉब भी ओके आए, प्रोग्राम भी ओके रहे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस ड्राइंग का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे जो ड्राइंग बनाया दोस्तों, फेस पे मैंने रेडियस लगाया है और साथ में यहाँ पे मैंने 30 डिग्री दिया हुआ, 30 डिग्री का एंगल है और फुल फेस रेडियस का जो वैल्यू है वो 5 mm का, 5 mm का रेडियस है और साथ में 30 डिग्री दिया हुआ। तो इस तरीके का प्रोग्राम दोस्तों हम कैसे बनाएंगे, तो बहरहाल मैं आज आपको दो तरीके से इसका प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ। हालांकि हम प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो दोनों तरीके से हमारा जॉब ओके नहीं होगा, कोई एक ही प्रोग्राम से हमारा जॉब ओके आएगा, परफेक्ट आएगा, लेकिन जो प्रोग्राम रहेगा दोनों वो ड्राइंग के हिसाब से दोनों प्रोग्राम परफेक्ट रहेगा लेकिन जॉब परफेक्ट नहीं आएगा। तो कौन से तरीके से हम प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमारा जॉब ओके आए, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल के साथ देखने वाले हैं। जो मैं प्रोग्राम आपको आज बताने वाला हूं, कोई जरूरी नहीं है कि 5 mm का ही रेडियस रहे या फिर 30 डिग्री का ही रहे, वहां पे कोई भी साइज का रेडियस हो सकता है या फिर कोई भी साइज का डिग्री भी हो सकता है। तो अगर हमें इस तरीके का ड्राइंग मिला है और उसका प्रोग्राम बनाना है तो जो मैं आज आपको तरीका बताने वाला हूं उसी तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना है, जो कि बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही इजी मेथड। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सीएनसी प्रोग्रामिंग ऑनलाइन क्लास कल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि इससे बेहतरीन मौका आपको नहीं मिलेगा। घर बैठे जॉब करते हुए 1999 रुपीज में सीएनसी प्रोग्रामर आप बन जाएंगे। अगर आप इस बैच को मिस करते हैं तो आपको काफी टाइम तक रुकना पड़ सकता है नेक्स्ट बैच के लिए, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये अमाउंट इंक्रीज भी हो जाए। तो आपके पास अभी भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर करना, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम सीधा प्रोग्राम देखते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ वो G42 कोड से फिनिश प्रोग्राम रहेगा, मैं रफ प्रोग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं केवल फिनिश प्रोग्राम आपको बना के दिखाने वाला हूँ। अगर आपको इसका रफ प्रोग्राम बनाना है तो आपको उसी तरीके से बनाना है जिस तरीके से मैं आपको फिनिश प्रोग्राम बना के दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं फिनिशिंग का प्रोग्राम हमारा क्या है, कैसे रहेगा और किस तरीके से हमारा जॉब परफेक्ट आएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर पहले से डाल के रखा है, वो 5000 फोर डिजिट का हमारा प्रोग्राम नंबर रहना चाहिए। N1G28U0.0W0.0 ये हमारा होमिंग का कोड है, और T04 टूल नंबर और T04 ऑफसेट नंबर, ठीक है। G97M04 स्पिंडल स्पीड मैंने यहाँ पे 1800 लगाया है, बराबर 1800 का हमारा स्पिंडल स्पीड है। अब इसके नीचे दोस्तों हमें लगाना है G0, या जैसे कि हमारा डायमीटर जो है वो 30 का है तो यहाँ पे हम 32 डाल देंगे, कितना 32, Z2.0, ठीक है, और M08 या M07 जो भी हमारे मशीन का कोड रहेगा, कोड अंडान का, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके नीचे डालेंगे G0Z0.0, क्योंकि हमें फेस पे ग्लाइडर लेना है, जो कि हम प्रोग्राम देख रहे हैं वो फेसिंग का प्रोग्राम है। फिर वापस नीचे लगाऊंगा G01F-2.0 फीड F0.08, ठीक है, 08 का मैं फीड लिया हूं। फिर नीचे डालूंगा G0Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, कट लेने के बाद टूल को पीछे ले लिया। अब नीचे दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से G42 का कोड यूज कर रहा हूँ, G0F-3.0 Z2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। क्या किया हूं, X-2.0 तक मैं गया हूँ फेसिंग करते हुए, फिर टूल को 2 mm पीछे ले लिया हूँ, फिर G0 में टूल को मैं 3 mm लेफ्ट से माइनस किया हूँ, जेड में 2 mm ऑलरेडी पहले से बाहर है। फिर नीचे लगाऊंगा G41 G42, ठीक है, G42 F-1.0 Z0.0 फीड F0.1 या 2 डाल देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब वापस नीचे क्या डालना है हमें ये चीज देखिएगा, G03 में लगा रहा हूँ, G03
10.0, जेड माइनस कितना हमारा रेडियस, रेडियस हमारा जितना उतना हमें लगाना है, जेड माइनस 5.0, आर 5.0, चाहे तो यहाँ पे हम फीट कम कर देंगे, यह 0.08 नंबर, ठीक है। अब इसके नीचे दोस्तों मैं क्या लगाऊंगा, G01, यह हमारा डायमीटर कितना है 30, यह 30.0, एंगल A 120.0, 30 डिग्री का 120 डिग्री मैं यहाँ पे लगा दिया। अब उसके नीचे डालूंगा G01, जेड माइनस 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक, क्योंकि हमारे जॉब का जो लेंथ है वो 40 mm है, तो मैं यहाँ पे 40 लगा दिया। वापस नीचे लगाऊंगा G01, G42 यूज किया हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे कैंसिल करने के लिए G40 यूज किया हूँ, यह 32.0, जेड माइनस 36.0, फीड यह 0.2 एंड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। अब नीचे डालूंगा G0Z 2.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M09 M05, ठीक है। यहां बाकी का डाल देता हूं, N2G28 U0.0 W0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M01 ऑप्शनल स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका। आप देखिए ड्राइंग के हिसाब से हमारा प्रोग्राम बना है कि नहीं बना है, ड्राइंग के हिसाब से हमारा प्रोग्राम एकदम परफेक्ट बना है। मैंने क्या किया है, फेस पे लाइट कट लिया है, G42 यहां से देखिए, G01 G42 F-1.0 सेंटर से 1 mm नीचे रखा हूं, और जेड पे टूल ले जाकर टच कर दिया हूं 0.2 के फील्ड पे। फिर मैं यहां पे क्या किया, G03 रेडियस मानना है 5 mm का, तो इसके हिसाब से मैं यहां पे G03 लगा दिया हूं, F10.0, जो कि हमारा रेडियस कितने का 5 का डबल 10 होगा, 10 डाल दिया, जितने का हमारा रेडियस है उतना हम जेड में जाएंगे, जेड माइनस 5.0, और रेडियस कितने का 5 लगा दिया, बराबर। अब उसके बाद मैंने क्या किया, G01 F30 रेडियस मारने के बाद टूल को हमें 30 के डायमीटर पे लेके जाना है, जो कि G01 में लेके जाना है, और एंगल A 120, क्योंकि वहां पे 30 डिग्री दिया है, तो 120 डिग्री में बराबर लगाया हूं, G01 जेड माइनस 40 बराबर। तो ड्राइंग के हिसाब से हमारा प्रोग्राम परफेक्ट, लेकिन ये प्रोग्राम हम प्रैक्टिकली देखने जाएंगे तो प्रोग्राम तो रन होगा लेकिन जॉब नॉट ओके आएगा, क्यों, रीजन क्या है। रीजन ये है दोस्तों कि जैसे कि ये हमारा फुल फेस रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस आपका सेंटर से बराबर जाएगा, इस तरीके से जाएगा, बराबर ऐसा रेडियस बनेगा, फिर यहां से ये एंगल मारेगा, तो आपको कुछ दिखा, यहां पे देखिए स्टेप दिखा, जो कि हमारे ड्राइंग में किस तरीके से दिया रहेगा, इस तरीके से रेडियस के साथ एंगल मैच रहेगा, यहां पे स्टेप नहीं आना चाहिए, जो कि इस तरीके से बनेगा अगर हम प्रोग्राम इस तरीके से बनाते हैं तो फिर हमें दूसरा तरीका कौन सा है कि जिससे हमारा जॉब भी ओके आए और प्रोग्राम भी ओके रहे। तो पूरा प्रोग्राम दोस्तों सेम रहेगा, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, बस केवल एक ही लाइन में हमें थोड़ा चेंजेस करना है। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला था वो यही है, प्रोग्राम सेम रहेगा, बस आपको जो प्रोग्राम मैं अभी बना के दिखाया हूं इसमें केवल एक ही लाइन ऐसा है जिसमें हमें चेंज करना है। तो कौन सा लाइन है, तो लाइन दोस्तों ये है, इसी लाइन में हमें चेंज करना है। क्या चेंज करना है, ये G03 की जगह हमें लगाना है क्या, G01, क्या लगाना है, G01। अब इतने से भी काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा और कुछ करना है। अब आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि 5 mm का रेडियस हम G01 में कैसे लगाएंगे, क्या रेडियस लेगा, क्योंकि जो मैं पहले के वीडियो बनाया हूं, जो मैनुअल फिनिशिंग का प्रोग्राम दिया हूं G41 G42 कोर्स से, उसका कमेंट अभी तक मुझे आ रहा है, बहुत से लोग कमेंट किए कि सर आपने चापर के स्टार्ट पॉइंट पे एंड पॉइंट पे आपने G01 लगाया है, वहां पे आपको G02 लगाना चाहिए, G03 लगाना चाहिए, इस तरीके का मुझे कमेंट आ रहा है, क्योंकि रेडियस नहीं लेगा G01, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, रेडियस लेगा। चंपर के स्टार्ट पॉइंट पे हम नॉर्मली 0.1 0.2 का रेडियस लगाते हैं और G01 ही लगाते हैं, उसके लिए G02 G03 नहीं लगाते हैं। अब यहां पे जो मैंने 5 mm का रेडियस दिया है उसे भी हमें G01 से ही मारना है, G01 F10.0 ये रहेगा, उसके बाद यहां से मैं थोड़ा मिटा देता हूं क्योंकि फील्ड में मिटा दिया हूं, फील्ड यहां पे चले डाल देता हूं ताकि हमें नीचे वापस फील्ड लगाने की जरूरत ना रहे, ठीक है।
G01 is 10.0, यहाँ पे हमें लगाना R 5.0, एंड ऑफ ब्लॉक, कुछ नहीं करना है, जेड माइनस 5.0 नहीं डालना है या फिर G03 नहीं लगाना। जो दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला था यही है, केवल इस लाइन में हमें क्या करना था, G03 की जगह G01 लगाना था, जेड माइनस 5.0 जो दिया था उसे मिटाना था और हमें नहीं लगाना है। तो दूसरा तरीका है यही है जो आपके सामने है। इस तरीके से दोस्तों अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं ना तो हमारा रेडियस कैसा आएगा, फुल फेस रेडियस ऐसे आएगा, बराबर परफेक्ट वो एंगल भी जाएगा। अब जो मैंने यहाँ पे एंगल लगाया 30 डिग्री, तो कोई जरूरी नहीं कि 30 डिग्री पे ही मैच होगा ये रेडियस, नहीं, वहां पे आप 45 डिग्री भी लगा सकते हैं वो भी मैच होगा, 20 डिग्री लगाइए वो भी मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप G03 के हिसाब से बनाएंगे तो आपका ना 45 के हिसाब से मैच होगा, ना 30 डिग्री के हिसाब से मैच होगा, ना 20 डिग्री के हिसाब से मैच होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें फुल फेस रेडियस के साथ टेपर का प्रोग्राम इसी तरीके से बनाना है, हमारा प्रोग्राम भी ओके और हमारा जॉब भी ओके आएगा। तो वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर करना ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।